गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं, 1 जून पे पहुंच चुके हैं। तो मई का महीना हमारा कंप्लीट हो चुका है। मई का मैराथन जो है आपको इस वीकेंड में मिल जाएगा, उसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा और रिविजन अपनी कंटिन्यू रखिएगा मैराथन सेशन के थ्रू। यहाँ पर द हिंदू पीआईबी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_luthra पे मुझे भेज सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। आज के जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। हम टी को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फ्रीडम फाइटर को लेकर डिस्कशन होगा हमारा। स्काईमेट के बारे में न्यूज में मेंशन किया गया था, घातक के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, तो एक एक न्यूज इसको लेकर दी गई थी, तो एमसीक्यू यहां पर बन के आ सकते हैं। इकोवास क्या है इसको लेकर भी हमारा डिस्कशन होगा। फॉरेनर ट्राइब्यूनल क्या होती है इसको लेकर एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। स्पूरियस लेकर को लेकर भी एक डिस्कशन होगा। आदि शंकराचार्य जी को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। और फाइनली तियाने, तियाने काफी न्यूज में पिछले कुछ दिनों से, इसको लेकर भी एक क्वेश्चन जो है वो बनाया गया। जो हिंदू एनालिसिस है उसको आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा, बिकॉज हिंदू एनालिसिस सेकंड चैनल के ऊपर आता है और यहाँ पर आपको जो डेली की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की होती है वो यहाँ पर डिस्कस करी जाती है। 100 डेज की सीरीज के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। चलते हैं, जल्दी से टारगेट को सेट करते हैं। नाउ जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की रखी गई है। आपको कोशिश करनी है कि टारगेट भी 6 या इससे ज्यादा सेट करें और फिर उसे अचीव भी करें। अगर लोअर भी सेट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ग्रेजुअली आप उसे इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा। ग्रेजुअली टारगेट को भी हाई सेट करिएगा और उसे एक्चुअल में अचीव करने की भी कोशिश करिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन। नाउ अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको ईस्ट टू वेस्ट में जो नीचे दिए गए 4 रीजन है इनको अरेंज करना है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ इस तरीके से होते हैं। आपको ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, मतलब यहां से राइट साइड से लेफ्ट साइड के अंदर आना है। मैप में आपको इसका दिखाऊंगा, बट पहले पोर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, हीटी, क्यूबा, ये 4 यहां पर जो कंट्रीज है उनके नाम दिए हैं। और आप जानते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वो अभी काफी न्यूज में था, क्योंकि मिस्टर मेहुल चौकसी जो है इनको यहां पर पकड़ा गया है और अभी बहुत जल्दी इनको इंडिया भी वापस लेकर आया जाएगा। तो इसको लेकर पूरा आर्टिकल जो था वो दिया गया था इकोनॉमिक ऑफेंडर सेक्शन में, वो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था हिंदू एनालिसिस के अंदर, क्योंकि मेंस के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन लोकेशन जो है वो आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताएं, पोर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, हेटी एंड क्यूबा, ये आपको ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लगाने हैं। फिर मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं एक बार। यहां पर अगर आप देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट में मतलब हमें इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के अंदर जाना है। तो सबसे पहले आपको यहां पे पोर्टो रिको दिख रहा होगा, देन डोमिनिकन रिपब्लिक भी आपको दिख रहा है, हीटी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, देन क्यूबा दिखाई दे रहा है। तो यहां पे 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरीके से, यहां पे बीच में जमैका भी है, तो आसपास की चीजों को भी जरूर देखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकता है। यहां पर आपको वेरियस आइलैंड्स जो है वो भी दिख रहे होंगे। यहां पे देखिए आपका लीवर्ड आइलैंड है, विंडवर्ड आइलैंड्स ये वाले हैं, ये लीवर्ड आइलैंड्स है, ठीक है। देन आपका नीचे ट्रिनिडैड एंड टोबैगो भी है, वेनेजुएला, कोलंबिया शुरू हो जाता है। हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो पोर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, हीटी, क्यूबा, ये ऑलरेडी लाइन में दिए, क्योंकि सबसे ईस्ट में पोर्टो रिको था, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक, हीटी, फिर बीच में जमैका भी आया था और फिर फाइनली क्यूबा आपका आया था, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, जो कि पूछ रहा है टी को लेकर। टी को लेकर पूछा गया है कि किस तरीके की कंडीशनैलिटीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैसे क्वेश्चन आपका बेसिक एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है, लेकिन क्योंकि टी के बारे में मेंशन किया गया था, क्योंकि 20 यहां पर लोगों की जान चली गई है, क्योंकि COVID-19 जो है वो अब जो टी एस्टेट्स है, 350 टी एस्टेट्स आसाम के अंदर है, वहां पर जो है अफेक्ट कर रहा है लोगों को, और इसी वजह से 20 लोगों की जान चली गई है। नाउ यहाँ पे टी गार्डन्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, टी एस्टेट्स के बारे में भी न्यूज में मेंशन किया गया था, इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पर टी को लेकर बन के आ सकता है। टी ग्रोज वेल व्हेन एक्सपोज टू इंटेंस सनलाइट, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट की इनको जरूरत पड़ती है। सेकेंड, इट रिक्वायर्स एसिडिक सोइल फॉर इट्स ग्रोथ, इसके लिए एसिडिक सोइल की जरूरत पड़ती है, एल्कलाइन की नहीं पड़ती है। इट थ्राइव्स वेल इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन के अंदर ये थ्राइव करते हैं। नाउ जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। न्यूज मैंने आपको बता दी है। चलिए देखिए, टी माना जाता है जो चाय है, चाय की खेती जो है या फिर चाय बागान जो सही तरीके से यहां पर चाय को उगाया जाता है वो मॉडरेटली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉडरेट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए चाहिए होता है, इंटेंस सनलाइट की जरूरत नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मीडियम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो यहाँ पर काम बन जाता है, बेटर यील्ड आपको मिलती है, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होता है और क्वालिटी भी यहाँ पर बेहतर आपको मिलती है। एम्बिएंट टेम्परेचर जो कि कहीं ना कहीं 13 डिग्री सेंटीग्रेड
एंड 28 तक जो आपका टेम्परेचर रहता है इसके अंदर ऐसे कहा जाता है कि जो चाय की खेती है वो करी जाती है, ठीक है। तो ये कंड्यूसिव माना जाता है कि जब टी की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर पहली जो स्टेटमेंट, टी ग्रोज वेल इन एक्सपोज टू इंटेंस सनलाइट, नहीं, टी ग्रोज वेल व्हेन यू एक्सपोज इट विद द मॉडरेट और एम्बियंट टेम्परेचर, ठीक है। जब एम्बियंट या मॉडरेट टेम्परेचर होता है तब यहां पर जो टी है वो अच्छे से ग्रो करती है। अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, 28 से वैसे 32 तक सही माना जाता है, 32 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो एक अनफेवरेबल कंडीशन मानी जाती है टी के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो रीजन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो एसिडिक सोयल जिसमें पीएच लेवल 4.5 टू 5.5 रहता है, ये मोस्ट सूटेबल माना जाता है चाय की खेती के लिए। ध्यान रखिएगा, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल एसिडिक सोयल जो होती है वो यहां पर बेहतर मानी जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, पहली इनकरेक्ट हो जाती है। और जैसे ही पहली इनकरेक्ट हुई, आपने सीधा आप अपने आंसर पे आ सकते थे, दैट इज बी आपका आंसर हो सकता था, ठीक है। खैर, यहां पर आते हैं तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर, इट थ्राइव्स वेल इन द विंटर सीजन। तो यहाँ पे क्या ये विंटर सीजन के अंदर सही तरीके से थ्राइव करती है, उगती है। इन इंडिया टेम्परेचर जो विंटर के अंदर होता है वो कितना होता है, 12 डिग्री के आसपास या इससे कम होता है। और मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है 13 से 28 जब होता है ना, या मैक्सिमम आप 32 मान सकते हैं, तब यहाँ पर जो टी है वो अच्छे से ग्रो करती है। उसके ऊपर जाएगा तब भी नहीं, उसके नीचे जाएगा तब भी नहीं। तो ये जो 12 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसे पीरियड कहा जाता है कि वो विंटर डोरमेंसी का पीरियड है, विंटर डोरमेंसी का पीरियड है, ठीक है। और यहां पर ज्यादा जो है वो ग्रो नहीं कर पाती टी, और मार्च के महीने से जब वो एक एम्बियंट टेम्परेचर मिलता है तब ये टी ग्रो होना सही से शुरू करती है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट को लेकर भी आर्टिकल मेंशन किया गया था, न्यूज मेंशन करी गई थी। तो यहां पर एक क्वेश्चन जो है बनाया गया इनको लेकर। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट इनको लेकर कहा गया है दैट शी वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो फाउंडर थे, हो सकता है। शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड इन कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ। लखनऊ के कांग्रेस सेशन में प्रिसाइड करने वाली वो पहली महिला थी, ये भी पॉसिबल हो सकता है। शी स्टार्टेड द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नाम का एक न्यूज़पेपर था, उनके द्वारा शुरू किया गया था। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें, शी वाज नॉट द फाउंडर, शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। देयर वाज अ टाइम व्हेन शी वाज हेडिंग इट, बट शी वाज नॉट द फाउंडर। फाउंडर नहीं थे। फाउंडर कौन थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, मैंने आपको स्पेक्ट्रम में ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, बिकॉज शी वाज नॉट द फाउंडर, शी वाज द प्रेसिडेंट। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। नाउ पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने के बाद आपने ए और डी को एलिमिनेट कर दिया। अब आंसर या तो बी होगा या आपका आंसर सी होगा। इट मींस जो तीसरी स्टेटमेंट है वो अपने आप ठीक हो जाती है, दैट इज क्योंकि वो बी के अंदर भी और सी के अंदर भी है। तो उन्होंने न्यू इंडिया नाम का जो एक न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट किया था। ये भी मैंने आपको स्पेक्ट्रम में से पढ़ा है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ था कि न्यू इंडिया एंड कॉमन बी, ये दो न्यूज़पेपर उनके द्वारा शुरू किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। वाज ही द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन। यस, आईएनसी सेशन में तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन लखनऊ के अंदर ने वो सेशन हुआ था आपका कहां पर, कैलकटा सेशन के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर, जो कि स्काईमेट को लेकर है। पूछा गया स्काईमेट सीन इन द न्यूज, क्या है ये स्काईमेट, अभी हमने न्यूज में देखा था, क्या है ये, क्या चीज है। तो गवर्नमेंट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है ये अपकमिंग स्पेस स्टेशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, क्योंकि आजकल काफी सारी जो कंट्रीज हैं वो अपने अपने स्पेस स्टेशन लेकर आ रही हैं, जैसे कि चाइना के बारे में हमने पढ़ा, रशिया के बारे में हमने पढ़ा। थर्ड, ये कोई कोएलिशन है जो कि स्पेस पोल्यूशन के बारे में अपनी आवाज उठाता है, कैसलर सिंड्रोम जो है ये हमने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में अपनी आवाज उठाता है, बताइए। तो क्या हो सकता है आंसर, नन ऑफ द अबव, डी आंसर हो सकता है, सोचिए इसके बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। चलिए देखिए, पहले ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे, प्रेडिक्शन किया गया था इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कि जो मॉनसून है वो केरला में मई 31 को एंटर करेगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे देश में जो नॉर्दर्न हिस्से हैं, ईस्टर्न हिस्से हैं, वहां तक आना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन अभी आईएमडी ने अपनी जो यहां पर उन्होंने जो ये प्रेडिक्शन किया था उसमें थोड़ा सा चेंज किया और कहा है कि अभी मई 31 नहीं, जो नई डेट है वो है जून 3 को जो मॉनसून है वो केरला के ऊपर आएगा, और ये उन्होंने यहां पर अपना प्रेडिक्शन दिया। लेकिन एक प्राइवेट फोरकास्टर भी है स्काईमेट करके, ठीक है। सो प्राइवेट फोरकास्टर स्काईमेट जो है उन्होंने ये कहा है आईएमडी के बिल्कुल अपोजिट कि मॉनसून ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो स्काईमेट क्या है, स्काईमेट
एक प्राइवेट फोरकास्टर है और इसका जिक्र जो था वो न्यूज में किया गया था, दैट्स व्हाई हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, क्योंकि इनके जो आप कह सकते हैं कि फोरकास्ट है वो बिल्कुल अलग है किससे, आईएमडी के कंपैरिजन के अंदर। स्काईमेट वेदर सर्विसेज जो है बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी है, 2003 में स्टार्ट करी गई थी मिस्टर जतिन सिंह के द्वारा, और ये जो वेरियस आप कह सकते हैं फोरकास्टिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं वो भी टाइम टू टाइम देते रहते हैं, हेडक्वार्टर इसका नोएडा के अंदर है। ठीक है, चलिए खैर यहां से आगे बढ़ते हुए, स्काईमेट से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि घातक को लेकर है। पूछा गया था, न्यूज के अंदर मेंशन किया गया था, घातक रिसेंटली न्यूज के अंदर दिखाया गया था, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए, बताइए क्या है। ये आपका कैल्शनकोव राइफल्स का कोई एक इंडियन वेरियंट है, टॉर्पीडोज है, किसके लिए, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के लिए, ये न्यू कमांडो फोर्स है जिसको कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर रेस किया गया है, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए जल्दी से बताएं। काजीरंगा को लेकर क्या ये न्यूज थी, वैसे तो ये हिंट मैं आपको दे देता हूं, लेकिन अगेन जब तक आपको पता नहीं होगा एग्जैक्ट चीज क्या है तो नहीं बता पाएंगे इसका। सोची घातक के बारे में क्या है, इट इज सर्टनली नॉट द मूवी ऑफ सनी देओल, क्या है ये। चलिए देखिए, काजीरंगा फॉरेस्ट ऑफिशियल को अभी रिसेंटली ना घातक राइफल्स जो है वो यहां पर दी गई है, क्योंकि काफी सारे पोचर्स जो हैं वो आप जानते हैं काजीरंगा के अंदर पोचिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं उनकी जान जा रही है। घातक असोल्ट राइफल एक इंडिजिनियसली बिल्ट वेरियंट है, जो कि कैल्शनकोव राइफल्स का एक जो ऑटोमेटिक राइफल है उसी का एक वेरियंट है, उसी का एक वर्जन है। इट हैज फिक्स्ड स्टॉक एंड इज नॉट मेंट फॉर कंसील एंड कैरी एक्टिविटी, और इंडियन आर्मी के अंदर ऑलरेडी इसे इंडक्ट कर लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सो बेसिकली इट्स अ राइफल, इंडियन वेरिएंट है एक पर्टिकुलर राइफल का, देख सकते हैं यहां पे। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इससे पहले जो हमारे क्रैश कोर्सेज हैं आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, देर इज 100 डे सीरीज एंड देर इज 200 डे सीरीज, ये उन लोगों के लिए सही है जो कि 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर अभी आपके पास 100 प्लस डेज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप 100 डेज की सीरीज को भी और 200 डेज की सीरीज को भी इजिली कवर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डेली बेसिस पे जो असाइनमेंट्स होते हैं जैसे कि वीडियोज हो गए, एमसीक्यूज हो गए, वो दिए जाते हैं, और वीकली बेसिस पे आपको इसके अंदर जो क्विजेज होते हैं वो भी मिल, क्विजेस तो आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको वीकली बेसिस पे मिल जाते हैं, सो दैट आपकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रिलिम्स एग्जाम के अंदर इंप्रूव हो सके। 200 डेज के अंदर आपको राइटिंग मॉड्यूल भी मिलता है, जिसके अंदर मेंस के आंसर आप चाहें तो प्रीलिम्स के बाद लिख सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। देन देयर इज अनदर मॉड्यूल जो कि 500 डेज के, जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस मॉड्यूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 500 डेज के अंदर डेली बेसिस पे आपको जो असाइनमेंट्स है वो दिए जाते हैं। सबसे यूनिक बात जो है वो इस सीरीज की ये है कि आपको एनसीईआरटी से लेकर शुरुआत कराई जाती है और फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर लेकर जाया जाता है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, सारे कॉन्सेप्ट्स है वो आपकी फाउंडेशन अच्छे से बन सके, और वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छे तरीके से आ सके। सो एनसीईआरटी भी इसके अंदर कवर करी जा रही है, स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर करी जा रही है, ताकि डेली बेसिस पे आपका कोई दिन वेस्ट भी ना हो, और जो तैयारी है यूपीएससी के लिए जब तक एग्जाम आपके सामने आता है वो काफी अच्छे से हो सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, जो कि पूछ रहा है दो स्टेटमेंट देखे कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इकोवास एक ग्रुपिंग है जो कि 15 ईस्ट अफ्रीकन स्टेट से मिलकर बनाई गई है। इट एक्ट्स एज स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर दीज नेशंस। ये एक स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती है इन कंट्रीज के लिए जो कि इसकी मेंबर्स है। सोचिए फिर हम डिस्कस करते हैं इसको लेकर, रिसेंटली ये न्यूज में भी थी, डिस्कशन करेंगे न्यूज में क्यों थी और क्या क्या इसके अंदर कंट्रीज आती है। चलिए तो यहां पर वेस्ट अफ्रीकन लीडर्स जो हैं उन्होंने एक मीट जो थी वो रखी थी घाना के अंदर अभी जो संडे गया है इस दिन को, और यहां पर कहा गया था कि माली के अंदर अगर हम देखें तो पिछले 9 महीनों के अंदर सेकंड कू जो है वो यहां पर देखने को मिला, जिसकी वजह से फ्रेश वार्निंग्स जो है, सेंक्शंस जो है वो भी यहां पर उनके ऊपर डाले गए। तो ये जो पूरा रीजन आपका सहेल रीजन जिसको कहते हैं, ये यहां पर सिचुएशन जो है स्टेबिलिटी काफी कम हो गई है, वॉलिटिलिटी काफी बढ़ गई है, इस वजह से ये जो मीटिंग थी कराई गई इकोवास, दैट इज इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। क्या नाम है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज होती है, ईस्ट अफ्रीका की 15 कंट्री नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। May 28, 1975 को एक ट्रीटी ऑफ लागोस जो थी वो साइन करी गई थी, जिसके थ्रू इकोवास को बनाया गया था। ये 15 मेंबर का रीजनल ग्रुप है विद अ मैंडेट की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन 15 कंट्रीज का बढ़े, आपस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो बढ़े, और यहां पर जो कंट्रीज है वो एक दूसरे की हेल्प कर सके इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। हेंस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका,
आंसर विल बी डी, क्योंकि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। इकोवास का मिशन यही है कि जो बॉर्डरलेस रीजन, जैसे यूरोपियन यूनियन में आपकी जो वेरियस कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ व्यवहार करती हैं, दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन रहता है, उसी तरीके से इकोवास के अंदर भी वेस्ट अफ्रीकन स्टेट क्या करते हैं, एक बॉर्डरलेस रीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जो रिसोर्स शेयरिंग होगी वो भी करी जाएगी और इकोनॉमी एक दूसरे के अंदर हेल्प जो है वो यहां पर करने की कोशिश करी जाएगी। सस्टेनेबल एनवायरमेंट को लेकर भी यहां पर बात करी जाती है और वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन भी एक पर्टिकुलर सब बॉडी के तौर पे इसमें 1994 में शुरू करी गई थी और साथ ही साथ 2000 के अंदर वेस्ट अफ्रीकन मॉनेटरी जोन जो था वो भी यहां पर बनाया गया था। इकोवास इज मेंट टू बी अ रीजन जो कि गवर्न किया जाता है एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, और इसी वजह से जब माली के अंदर कू हुआ तो यहां पर इन सभी देशों ने मिलकर एक मीटिंग करी कि इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है। मैं ये चाहता हूं, वैसे तो देखिए 15 कंट्रीज के नाम बताना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर कम से कम 15 एस्पिरेंट्स तो एक एक कंट्री के नाम कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, क्योंकि अगर आप में से 15 लोग भी एक एक कंट्री का नाम लिखेंगे तो 15 नाम पूरे हो जाएंगे और जब आप कॉमेंट्स पढ़ेंगे एक दूसरे के तो आपको भी वो नाम याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं यहां से, ये मैं आपको दिखा देता हूं इकोवास का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। कल मुझसे भी एक क्वेश्चन के अंदर गलती हुई जिसमें मैंने करेक्ट इनकरेक्ट के अंदर मिस्टेक किया, तो इस तरीके की मिस्टेक जो होती है वही मैं कह रहा हूं कि किसी भी लेवल पे हो सकती है, तो तभी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन को आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर सीधा आपकी माइनस जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो हो जाएगी। इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप करेक्ट इनकरेक्ट के अंदर प्रॉब्लम कर रहे हैं तो माइनस टू अपने आपको जरूर दीजिएगा रीजन, क्योंकि ज्यादा अपने आपको अभी यहां पर पनिश करेंगे तो ये आदत आपकी जल्दी छूट जाएगी। चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स इनकरेक्ट अबाउट फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, तो ट्राइब्यूनल को लेकर तीन स्टेटमेंट यहां पे दिए। पहली स्टेटमेंट कहती है क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, द एक्यूज्ड हैज टू प्रूव वेदर ही और शी इज अ सिटीजन और नॉट, तो यहां पे एक्यूज्ड जो होता है फॉरेनर ट्राइब्यूनल के हिसाब से उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो यहां पर जो रहने वाला है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है कि नहीं है। दीज बॉडीज एंटरटेन थ्री टाइप्स ऑफ केसेस, तीन तरीके के केसेस इसके अंदर डील किए जाते हैं। जल्दी से बताएं कि ये जो पर्टिकुलर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है इसको लेकर क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे इसके अंदर। चलिए आई होप आपने सोच लिया होगा इसके आंसर के बारे में। सो यहां पर अगर हम देखें क्वाजी जुडिशियल बॉडीज को लेकर, तो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि जुडिशियल बॉडी तो नहीं है लेकिन लॉ को फिर भी वो इंटरप्रेट कर सकती हैं। सो आर दीज द क्वाजी जुडिशियल बॉडी, यस फॉरेनर ट्राइब्यूनल जो आपकी होती है वो आपकी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और यहां पर व्यक्ति को खुद प्रूव करना पड़ता है कि वो सिटीजन है या नहीं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो बोझ होता है, पूरा का पूरा जो बर्डन है एक्यूज के ऊपर डाला जाता है। एफटीज गेट टू काइंड्स ऑफ केसेस, पहला अगेंस्ट हुम अ रेफरेंस हैज बीन मेड, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में शिकायत करी, रेफरेंस दिया, या फिर कहें कि बॉर्डर पुलिस ने यहां पर ऐसा कुछ किया, ठीक है। एंड दिस हूज नेम्स इन द इलेक्टोरल रोल्स, जो कि डी के सामने लिखे हैं, डाउटफुल के सामने लिखे हैं। तो दो तरीके के केसेस होते हैं, तीन नहीं होते, तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। कौन कौन से दो केसेस होते हैं, या तो जहां पर रेफरेंस दिया जाता है, किसके द्वारा, बॉर्डर पुलिस ने रेफरेंस किया कि इस व्यक्ति को आप एक बार चेक करें कि वो सिटीजन है कि नहीं है, वो उनको डाउट हो रहा है। सेकंड केसेस वो होते हैं जिनके नाम के आगे, जब ये सर्वे किया गया, इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर किया, उनके नाम के आगे डी दैट इज डाउटफुल लिखा। तो ऐसे दो केसेस को एफटी जो है फॉरेनर ट्राइब्यूनल जो है वो टैकल करती है। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका बताइए, आपको बताना क्या था, इनकरेक्ट बताना था, तो सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर आपका हो जाएगा बी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं जो कि आदि शंकराचार्य के बारे में है। पूछा गया आदि शंकराचार्य के बारे में बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। एक आर्टिकल जो था वो दिया गया था न्यूज़पेपर के अंदर इनको लेकर, तो यहां पर पहली जो स्टेटमेंट देखिए, वैसे जो क्वेश्चन बन के आएगा वो आपका एंशियंट हिस्ट्री से आ सकता है, मिडिवल हिस्ट्री से आ सकता है, जब भी एंशियंट या मिडिवल का कोई भी टॉपिक आपके न्यूज़पेपर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन किया गया। ही वाज़ ए शेवाइट, आप जानते हैं वैष्णवाइट होते हैं, शेवाइट होते हैं, तो वो शेवाइट जो थे या फिर कहें कि शिवा जो आपकी सेक्ट है उसको बिलोंग करते थे। ही प्रपाउंडेड द थ्योरी ऑफ विशिष्ट अद्विता, विशिष्ट अद्विता की जो थ्योरी थी उनके द्वारा प्रपाउंड करी गई थी, लाई गई थी। ही रोट कॉमेंट्रीज ऑन वेदास एंड उपनिषद, उपनिषद और वेदा के ऊपर उन्होंने अपनी कॉमेंट्रीज जो है वो भी लिखी है। जल्दी से बताएं, करेक्ट आपको बताना है, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ें तो वो शैवाइट नहीं थे, ही वाज अ वैष्णवाइट, ठीक है। और पहली स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट होने के बाद ए और डी आपका एलिमिनेट हो जाता है, तो आंसर या तो बी होगा या सी होगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपकी सही नहीं हो सकती है, दोनों में से एक सही होगी एक गलत होगी, अब वो आपको देखना है यहां पर। नाउ क्या उन्होंने जो विशिष्ट अद्विता है इसकी थ्योरी को प्रपाउंड किया था, तो आंसर इज नो, उन्होंने अद्विता वेदांता लिख देता हूं मैं यहां पर,
अद्विता वेदांता की जो थ्योरी थी इसको प्रपाउंड किया था, एंड अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज ओनली वन रियलिटी विच इज द ब्राह्मण एंड रेस्ट एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। ठीक है, रेस्ट क्या है? रेस्ट सिर्फ इल्यूजन है, माया है, लेकिन रियलिटी क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण इज नॉट दैट ब्राह्मण जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब इज डिफरेंट, ब्राह्मण हियर मींस नॉलेज। ठीक है, तो यहां पर अद्विता वेदांता की जो थियरी थी वो ये लेकर आए थे, ना कि विशिष्ट अद्विता। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, इट मींस बाय डिफॉल्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है कि वेदांत और उपनिषद के ऊपर यस उन्होंने कमेंट्रीज जो है वो लिखी है अपने शब्दों के अंदर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्टेड अबाउट स्पूरियस लिकर। स्पूरियस लिकर को लेकर पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इसमें पहली स्टेटमेंट कहती है इट कंटेन्स मोर ऑफ एल्कोहल एंड लेस ऑफ वाटर। इसमें एल्कोहल ज्यादा होता है, वाटर कम होता है, जिसकी वजह से स्पूरियस हो जाती है। द स्पूरियस लिकर इज मेड अप ऑफ इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन। इसमें जो डिस्टिलेशन की टेक्निक है उसको सही तरीके से यूज नहीं किया जाता। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कशन करते हैं। अभी 24 लोगों की जान चली गई अलीबाग के अंदर, क्योंकि वहां पर नकली शराब जो है उसको कंज्यूम किया गया, और इस तरीके की जो न्यूज है हमें काफी सारे राज्यों से सुनने को मिलती है स्पूरियस लिकर की वजह से, जिससे कि लोगों की जान चली जाती है। देखिए, स्पूरियस लिकर जो है एक इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन प्रोसेस को फॉलो करती है, जिसके अंदर कम एल्कोहल को यूज किया जाता है और ज्यादा इसके अंदर मेथनॉल को डाला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इट इज नॉट कि एल्कोहल ज्यादा होता है, वाटर कम होता है, इट इज लाइक कि एल्कोहल कम होता है और मेथनॉल जो है उसकी काफी ज्यादा प्रपोर्शन को यूज किया जाता है, जिससे कि वो जो उसका पूरा नेचर होता है वो बदल जाता है। इसके अंदर क्या इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन को यूज किया जाता है, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो ये स्पूरियस लीकर है इसके अंदर ये इम्प्योर तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर पेंट्स के अंदर यूज किया जा सकता है या फिर वार्निशेस के अंदर यूज किया जा सकता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जिस भी वस्तु का इस्तेमाल पेंट के अंदर किया जा रहा है उसको अगर ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करेंगे तो उनके ऑर्गन्स के ऊपर कैसा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। खैर, यहां पर जो आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां पर आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि तियाने को लेकर है। पूछा गया, तियाने अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या यह कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, क्या यह कोई सन ऑर्बिटर है, मार्स रोवर है या स्पेस स्टेशन मॉड्यूल है, बताइए जल्दी से। अभी रिसेंटली हमने तियानजो द सेकंड T2 कार्गो जो है स्पेसक्राफ्ट के अंदर भेजा है। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो तियानजो द सेकंड भेजा गया है, ये जितना भी खाने पीने का फूड सप्लाईज जो होती है ना, जो चाइनीज अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, आप जानते हैं ISS के अंदर चाइना को यूएस ने एंटर नहीं करने दिया था, यूएस ने उनकी एंट्री रोक दी थी ISS के अंदर। फिर चाइना ने कहा कि हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे और अभी कहा जा रहा है कि 2022 तक हम अपना स्पेस स्टेशन रेडी कर देंगे। उसी के अंदर टाइम एंड अगेन अलग अलग मॉड्यूल जो होते हैं वो भेजे जाते हैं। टी फॉर्म का आपका ये पूरा स्पेस स्टेशन है, जिसके अंदर T2 तियानजो द सेकंड भेजा गया था, जिसके अंदर फूड सप्लाई जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनके लिए दी गई है। लेकिन तियाने जो है तियानजो द सेकंड से भी पहले भेजा गया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये काफी आप कह सकते हैं कोर मॉड्यूल है पूरा चाइनीज स्पेस स्टेशन का, और एक लिविंग एरिया की तरीके से ये काम करेगा राइट एस्ट्रोनॉट्स के लिए। तो स्पेस स्टेशन मॉड्यूल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, तियानी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, तियानजो द सेकंड के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। दो मिनट के अंदर अभी पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं और फिर आज का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन होने वाला है वो मैं आपसे पूछूंगा। आई होप आप जो द हिंदू के अंदर मैं मेंस के क्वेश्चन दे रहा हूं वो यहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से मुझे रिकॉल करके बताएगा, ईस्ट टू वेस्ट हमने डिस्कस किया था और यहां पर मैंने आपको PNB स्कैमर जो मेहुल चौकसी हैं उनको डोमिनिका से पकड़ा गया है, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। ईस्टर्न मोस्ट में कौन सी यहां पर कंट्री थी, इट वाज पोर्टो रिको, फिर डोमिनिका, फिर हीटी, फिर जमैका और फिर क्यूबा थे। ठीक है, फिर हमारा डिस्कशन टी को लेकर हुआ था, किस तरीके की सोइल की जरूरत पड़ती है जल्दी से बताएं, जो 13 डिग्री से 32 डिग्री का टेम्परेचर होता है, या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं 13 डिग्री और 13 को उल्टा कर दीजिए 31। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है ये तो इसके लिए काफी कंजीनियल माना जाता है, इससे ऊपर या इससे नीचे होगा मतलब विंटर या काफी ज्यादा गर्मी होगी तो ये सही नहीं माना जाता, तो एक एवरेज टेम्परेचर इसके लिए बेहतर माना जाता है। विंटर डोरमेंसी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, एसिडिक सोयल जो है जिसमें 4.5 से 5.5 का pH लेवल रहता है वो इसके लिए बेहतर माना जाता है। एनी बेसेंट के बारे में डिस्कशन किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई, ये चीज मुझे जरूर बताइएगा। शी वॉज द प्रेसिडेंट एंड नॉट द फाउंडर, प्रेसिडेंट थे, फाउंडर नहीं थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। साथ ही साथ जो लखनऊ ने कहां पर कैलकटा के अंदर जो सेशन हुआ था वहां पर उन्होंने प्रेसाइड किया था। शी स्टार्टेड द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एज वेल एज द कॉमन वी। देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जो है स्काईमेट को लेकर हुआ था। स्काईमेट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी है, जिसने IMD के अपोजिट अपनी प्रेडिक्शन जो है वो दी है और उनके हिसाब से मॉनसून आ चुका है। IMD कह रही है कि अभी ये 3rd of June को आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमने घातक के बारे में डिस्कशन किया था, तो घातक क्या है जल्दी से बताएं, यस कलशनकोव राइफल्स का एक इंडियन वेरिएशन है जो कि इंडियन आर्मी को ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, और ये काजीरंगा के अंदर जो पोचर्स है उनको काउंटर करने के लिए यूज भी
किया जाएगा। खैर यहां से 100 डेज और 200 डेज की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आप इसमें एनरोल करा सकते हैं ताकि आप जो वेरियस क्लासेस है अपनी कंप्लीट कर सके प्रीलिम्स से पहले और प्रीलिम्स के अंदर एक अच्छा स्कोर कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इकोवास के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो यहां पे नाम में ही डब्ल्यू है, डब्ल्यू मतलब वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स के बारे में बात हो रही है 15, और ये बनाया गया था ताकि इकोनॉमिकली एक दूसरी कंट्रीज की हेल्प कर सके। अभी माली के अंदर जो कू हुआ है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज जो है लार्जली जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो करती है, तो यहाँ पे माली को लेकर चिंता जाहिर करी गई है। फिर हमने फॉरनर ट्राइब्यूनल के बारे में देखा था, क्या ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, तो ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और सिटीजन को या फिर कहें कि व्यक्ति को यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि वो सिटीजन है कि नहीं, ये प्रूव करना पड़ता है। बॉडीज जो है दो तरीके केसेस देखती है, जब डी वाले केसेस डाउटफुल केसेस होते हैं और जो रेफरेंस वाले केसेस होते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर डिस्कशन हुआ था, आदि शंकर जी के बारे में बताइए कि कौन सी थ्योरी उनके द्वारा दी गई थी। वो वैष्णववाद थे और काफी सारी कमेंट्री भी वेदास उपनिषद के ऊपर उन्होंने लिखी थी, साथ ही साथ उन्होंने किस चीज को यहाँ पे याद किया था, कौन सी थ्योरी लेकर आए थे, जल्दी से बताएं मुझे। वो थ्योरी लेकर आए थे अद्वैत वेदांता के, जिसमें ब्राह्मण को ही रियलिटी माना गया है, बाकी सारी चीजों को इल्यूजन बताया गया है। चलिए इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था स्पूरियस लिकर को लेकर, कंटेन क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर जो आपका बताइए कौन सा एलिमेंट जो है वो इंक्लूड होता है इसके अंदर, जल्दी से बताएं, सोचिए, 2 सेकंड का टाइम लीजिए। मेथनॉल, बिल्कुल ठीक है, स्पूरियस लिकर जो है इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन से बनती है। फिर लास्ट में हमारा डिस्कशन तियानो को लेकर हुआ था, तो ये स्पेस स्टेशन का एक काफी इंपॉर्टेंट या कहीं कोर मॉड्यूल है। अभी तियानो द सेकंड को भी भेजा गया है जो कि फूड सप्लाईज प्रोवाइड करेगा इस पूरे आपके स्पेस स्टेशन के अंदर। चलिए मैराथन सेशन आपका आएगा या फिर आपका जो वीकली बेसिस पे जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको जरूर करिएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे जो है उसके बारे में मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नोड टू गैस पाइपलाइन कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरती है, देखिए कुछ हिंट मैं आपको दे देता हूँ। जो नोड टू गैस पाइपलाइन है रशिया से शुरू होकर जर्मनी पे खत्म होती है, ठीक है, लेकिन बीच में भी 3 कंट्रीज आती हैं, उन 3 कंट्रीज के नाम मुझे जरूर बताइएगा, और यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने जो आंसर्स है वो मुझे दे सकते हैं। जो मेंस का क्वेश्चन है और जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो मैं आपको हिंदू एनालिसिस में पूछता हूँ, उस वीडियो के अंदर आप उन क्वेश्चन का आंसर इन ग्रुप्स के अंदर कर सकते हैं। चलिए दिस इज द सेकंड चैनल जहां पे आपको हिंदू एनालिसिस मिल जाएगा, नेटवर्क यूपीएससी को सर्च कर लीजिए, अदरवाइज मुझे भी मैसेज कर सकते हैं @prince_luthra पे ताकि मैं आपको जो वीडियो है वो आपसे शेयर कर सकूं। जल्दी से अपने मार्क्स मुझे बताएं, कितना आपने स्कोर किया, 6 या 6 से ज्यादा, देन ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन, less than 6 अगर स्कोर है तो डेंजर जोन में है, लेकिन सेकंड टाइम रिविजन करना जरूरी है और अपने नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द लेटेस्ट PDFs। अगर वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो प्लीज डू शेयर और लाइक कर दीजिएगा इसको, ताकि बाकी सभी लोगों को भी हेल्प मिल सके और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।